जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कट रही है? काटो मत यार, जियो थोड़ा जिंदगी को। जिंदगी वन टाइम मिली है, उसको बढ़िया तरीके से जीना है, समझ रहे हो? अपने अपने स्टाइल से जियो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चलें शुरू करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, अभी तक तो आया तो नहीं है, लेकिन मे भी आ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा नीट और मेडिकल को करो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये टॉपिक नेट गेट में भी आता रहता है, पहले क्लियर कर देता हूँ, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि अच्छा ये तो सर ने इंडिविजुअल नेट गेट वालों के लिए बनाया, नीट वगैरह के लिए बनाया। ठीक है, सबके लिए कॉमन। बस क्या है ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलें भाई, शुरू हो जाएँ, फिर शुरू कर देते हैं। आज आपको पढ़ाने वाले हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है, इट इज अ साइट अबाउट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स टू प्रोड्यूस न्यू स्टीरियो आइसोमेरेस। समझ में आ गया? अभी नहीं आया होगा, समझो पहले बात को। इट्स अ साइट अबाउट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स टू प्रोड्यूस न्यू स्टीरियो आइसोमर्स। तो सबसे पहले हमें एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है उसको ही हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हमारे पास कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आया हुआ है। लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था आपको, ये जीआई कराया था। तो क्या ये जीआई होगा? क्या ये सिस फॉर्म होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि इस कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए हम इसको सिस नहीं कह सकते। तो तब तक कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा जब तक कि उसका स्टीरियो सेंटर डिफरेंट नहीं होगा। अब ये स्टीरियो सेंटर क्या है तो आप समझेंगे। एक ये साइट है अबाउट विच इंटरचेंज ऑफ एनी टू ग्रुप्स। अगर किसी भी ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं तो उस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, लाइक दिस। अब मैंने ये लिख दिया तो आप ट्रांस बता सकते हैं। ट्रांस क्यों हो गई? जब दो ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं? ट्रांस। अब ये इसको स्टीरियो सेंटर बोलूंगा, एक स्टीरियो सेंटर इसको बोलूंगा, तो इसमें टोटल स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? टू। बात समझ में आई? तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, मतलब सिस और ट्रांस जो होते हैं, वो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू स्टीरियो सेंटर शो करता है। जरा इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता। अब देखिएगा, एक ग्रुप को चेंज करेंगे हम, इंटरचेंज केवल एक ग्रुप को करेंगे, मतलब नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देंगे। तो ऊपर वाला आ गया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया H। अच्छा, आप उस ग्रुप की कह रहे थे तो उसमें दिखा देते हैं एक बार आपको। इन दोनों में से किसी भी स्टीरियो सेंटर को चेंज करो, फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे कैसे चेंज होने वाली है, मान लो मैंने इसी को चेंज कर दिया, मैं नीचे ले आया CH3 को और ये H ऐसे रह गया, ये CH3 है, ये H ऐसे हो गया। तो मैंने क्या किया, एक रोटेशन दिया, इंटरचेंज किया, फॉर्म ही चेंज हो गई, सिस में बदल गई सिस। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने एक इंटरचेंज करने पर पूरी फॉर्म ही बदल गई, उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितने होने वाले हैं? टू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिस और ट्रांस हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वो कितने स्टीरियो सेंटर रखते हैं अपने पास? टू। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं आपके लिए, द कंपाउंड्स विच गिव
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे शोइंग टू स्टीरियो सेंटर। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कितना होने वाला है, टू स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो सेंटर होने वाले। बट इसमें थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। ग्रुप कैसे होने चाहिए हमारे पास, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रुप सेम हो, लाइक दिस, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ग्रुप सेम आ गए, यहाँ पे ग्रुप सेम आ गए, तो इस तरीके से ये स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। अब इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको कि स्टीरियो सेंटर क्या होता है। तो ये दो ग्रुप होते हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो जी आई शो करेगा, अदरवाइज तो जी आई शो नहीं करेगा। और अगर एक जी आई शो करता है तो उसमें स्टीरियो सेंटर कितने होने वाले हैं, टू। जरा एक लाइन को और समझिएगा, ऑल द काइरल सेंटर All the chiral centers are stereo center, but reverse is not true. Because it may be atom of unsaturated. It may be atom of unsaturated group that showing geometrical isomers. इसका मतलब भी आपको लाइन का समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई हमारे पास थ्री मेंबर्ड रिंग है, लाइक दिस, अब मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया कि इसमें कितने स्टीरियो सेंटर होंगे, इसमें टोटल कितने स्टीरियो सेंटर होंगे, ये काइरल सेंटर कितने होंगे। काइरल सेंटर देखिए, काइरल सेंटर ये वाला है, एक कार्बन पर जब फोर डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं उसको काइरल सेंटर बोलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, देखो ये पूरा ग्रुप अलग से है, ये पूरा ग्रुप अलग से है, तो फोर डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो काइरल सेंटर इसमें कितना हुआ, वन। अब जरा स्टीरियो सेंटर देख करके बताओ कितने होंगे। देखो एक तो ये हुआ क्योंकि ये जी आई शो कर रहा है, अब एक समझ पा रहे हो, एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो होगा, तो यहाँ पे एक दो, मतलब इसमें जो है इस तरीके की ये फॉर्म बनी हुई है, समझ रहे हो, एक दो, क्योंकि इससे जी आई बन रहा है, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, जी आई, तो टू तो ये हो गए हमारे पास, और एक बन रहा है काइरल, तो टोटल कितने हो गए, टू एंड वन थ्री, तो स्टीरियो सेंटर कितने होंगे हमारे पास, थ्री। बात समझ में आई, एक बार नोट करिए। अब मान लो यहां लिख देता हूं पहले, अभी तो सपोज करिए एक हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, इस तरीके से आ गया। अब आप देखिए इस कार्बन पे फोर डिफरेंट ग्रुप है, वन टू थ्री, और इसके लिए पूरा डिफरेंट ग्रुप है, फोर, ऐसे ही इसके लिए, तो काइरल सेंटर कितने हो गए हमारे पास, टू। तो इस मॉलिक्यूल्स में काइरल सेंटर हुए हमारे पास टू। स्टीरियो सेंटर कितने होंगे, देखो वन टू, ये क्या लिखा हुआ, ऑल दी, कहां गया वो, ऑल दी काइरल सेंटर, अच्छा ये ऑल दी काइरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि हो सकता है, रिवर्स क्यों नहीं है कि स्टीरियो सेंटर तो ये भी है, लेकिन क्या ये काइरल सेंटर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर डिफरेंट ग्रुप नहीं है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, तो देखो वन टू थ्री फोर, तो स्टीरियो सेंटर कितने होने वाले हैं इसमें, फोर। ये बात क्लियर हुई आपको। अब थोड़ा सा यही कर देते हैं अभी, तो आगे मान लो
अगर ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए आपके पास, इसको थोड़ा दूसरी तरीके से बनाते हैं हम। देखो यहां बिगाड़ दें इसको, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग, मान लो हमारे पास ये आ गया कोई कंपाउंड, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। कायरल सेंटर जीरो है, आप देख पा रहे हो। आपसे स्टीरियो सेंटर पूछे जाए, स्टीरियो सेंटर कितने होंगे। अब देखो ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये तो सेम ग्रुप हो गया, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये जी आई सो ही नहीं करेगा, नॉट सो जी आई। जब ये नहीं करेगा तो फिर हमारे पास क्या बचे, यही तो बचे। तो कितना हुआ यहाँ पर स्टीरियो सेंटर, टू, वन एंड टू, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हुए हमारे पास, टू, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो मान लो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आ जाए, तो कितने कायरल सेंटर होने वाले हैं, कायरल सेंटर विल बी जीरो। स्टीरियो सेंटर कितना होने वाला है। अब इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक रिंग, वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड मानेंगे तो ये यहां पे पचक जाएगा, थोड़ा सा डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास कितने होने वाले हैं बताओ। अब कोई बच्चा कहे सर दो ये चार, नहीं नहीं एक ही तो मानोगे रिंग को, तो एक रिंग इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड, समझ लो ना। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन हो गई, मान लो कि यहां पे एच है यहां एक्स है, यहां पे एच है यहां एक्स है, क्योंकि एक एक्स है ना, ये नीचे दिखाई देगा एक एच ऊपर दिखाई देगा एक एच, तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए हमारे पास, टू। कायरल सेंटर कितना हो गया, जीरो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिंग का केस। मान लो ये रिंग हमारे पास इस तरीके से कुछ आ गए, तो मैं आपसे पूछूं पहले इवन का केस लेते हैं, इवन नंबर डबल बॉन्ड। अब ये रिंग जो है यहां सी एस थ्री लगा लूं, ठीक है, यहां पे भी लगा देता हूं। देखो यहां पे तो पहले कुछ देगा ही नहीं, सबसे पहले तो आप ये समझ रहे हो आप दोनों सेम, तो जी आई है नहीं, मालूम पड़ा, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जी आई के केस में आपको लगना चाहिए कि ये जी आई है, लेकिन ये भी जी आई नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, मैंने आपको, अगर कोई बच्चा ये वाला लेक्चर देख रहा है तो इससे पहले जी आई का डाल रखा है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, आप लोग उसको देख लेंगे तो वो पूरी चीज क्लियर आपको मालूम पड़ जाएगी चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे प्लेनर नॉन प्लेनर देखा जाता है, प्लेनर नॉन प्लेनर, ठीक है। या कोई बच्चा ये प्लेनर नॉन प्लेनर वाली बात नहीं समझता है, तो इवन ऑड तो जानता ही होगा, एक रिंग डबल बॉन्ड का काम करती है, वन टू ये इवन नंबर है, इवन नंबर अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वहां पर जी आई नहीं बनता, जैसे एलिन का केस हो गया, इस तरीके की रिंग हो गई तो ये जी आई नहीं देगा, तो जी आई नहीं देगा, तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए इसमें, जीरो। मान लो अगर इसी रिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थ्री कर देते हैं इसको, ये कुछ ऐसे आ जाए, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो वन टू थ्री, अब कितने नंबर की रिंग हो गई, थ्री, ऑड नंबर रिंग हो गई, ऑड नंबर में क्या जी आई सो करेगा, तो एक स्टीरियो सेंटर इसकी वजह से दो है ना, और एक इसकी वजह से दो, इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैसा वाला है बताओ, ये तो इवन नंबर तक था ना, इसको तो हम लेंगे नहीं, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने होने वाले हैं इस रिंग में, फोर। कायरल सेंटर कितना होगा, जीरो। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया, नोट करो एक बार। देखो अगर मान लो
मैं आपसे इसी रिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने लगा उसी को। मैं किसी बच्चे से पूछूं, बताओ इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, तो आप क्या कहोगे स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? जीरो, क्योंकि देख रहे हो जी आई नहीं शो कर रहा ना इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ऑड भी कर दूं, इस रिंग को मैं ऑड भी करता हूं, और यहां पर अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जीरो ही होने वाले, तो इसमें भी जीरो, मतलब इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जीरो, तो स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? जीरो। इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, मान लो मैं ग्लूकोज का केस लेता हूं, ग्लूकोज जानती हो, अब समझो C6H12O6, तो ग्लूकोज क्या हो गया, आप इसको इस तरीके से बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो राइट राइट लेफ्ट राइट बना दिया, दिस इज द डी ग्लूकोज। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें काइरल सेंटर कितने हैं, तो काइरल सेंटर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 काइरल सेंटर हैं, तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? ऑल द काइरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, होते ना, तो स्टीरियो सेंटर भी कितने होने वाले हैं? 4 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो हम हवार्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं, हवार्थ प्रोजेक्शन जानते हो साइक्लिक वाला, उसकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं, तो जैसे देखो इसका अगर हवार्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं तो पाइरेनोज रिंग होती है, जानते हैं सारे बच्चे। यहाँ पे क्या करिए, सीधा सीधा बता देता हूँ, नीचे नीचे ऊपर नीचे कर दो यार, नीचे नीचे ऊपर नीचे। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, अब भाई साहब आप लोगों के लिए अलग से बनाएंगे, टेंशन ना लो, अलग से आप समझो, मैंने तो एक ट्रिक से समझा दिया, ट्रिक से ज़्यादा समझा करो, नहीं भी समझ में आया कोई बच्चे को तो ज़्यादा डिटेल में समझो। डिटेल में क्या समझना है, जो ग्रुप राइट हैंड साइड लगे हुए हैं, ठीक है, जो ग्रुप राइट हैंड साइड लगे हुए हैं वो नीचे की तरफ रखे जाएंगे OH, और जो OH लेफ्ट हैंड साइड रखे हुए हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे इस हवार्थ प्रोजेक्शन में, साइक्लिक प्रोजेक्शन में। बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई आपको? अब देखिए एक स्टीरियो सेंटर और बढ़ गया, अभी ये थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, एक बार ढंग से बना के दिखाता हूँ, क्योंकि टेढ़ा लग रहा है कुछ, तो टेढ़ा ना लगे। अब जरा थोड़ा ऐसे समझ लीजिए इसको, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। देखो क्या हुआ, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस हुई, ये OH इधर शिफ्ट हो जाता है तो एनोमर्स बन जाते हैं, वो मैं आपको बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप फिलहाल ऐसे समझो, देखो ये आपको यहाँ है ना CHO के बाद यहाँ पे, तो ये नीचे चला गया, ये वाला यहाँ पे है ना, देखो ऊपर आ गया, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये वाला जो है राइट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो हम लोग कैसे बना रहे हैं मालूम है, ये यहाँ पे गया तो ये राइट OH आ गया होगा, तो OH यहाँ पे गया तो नीचे आ गया, OH यहाँ पे तो नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ पे है ना ये वाला, तो ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे है नीचे की तरफ आ गया, तो इसमें एक काइरल सेंटर और इंक्रीज हो गया। देखो आप लोग कौन सा वाला, ये वाला, कितने काइरल सेंटर हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, तो काइरल सेंटर कितने हो गए? 5। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 5, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड वाला केस तो चल ही नहीं रहा, तो समझ जाओगे। दूसरा एक फ्रक्टोज का करके दिखा देता हूं, देखो ये फ्रक्टोज 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट राइट लेफ्ट राइट, समझ गए। अब इसमें स्टीरियो सेंटर चेक कर लो, काइरल सेंटर चेक कर लो, 1 2 3, तो काइरल सेंटर कितने हैं इसमें? 3। अच्छा मैंने यहां लिख दिए, लिख दिए, तो एक काइरल सेंटर बढ़ गया ना रिंग में आने पे, ऐसे इसमें अभी काइरल सेंटर कितने हैं? 3। तो स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? 3। अगर रिंग बनाऊंगा तो कौन सा बनेगा? फ्यूरेनोज रिंग बनेगी, फ्यूरेनोज 5 मेंबर्ड रिंग, बात समझ में आ रही है? तो वही वाली प्रोसेस अपनानी है आपको, एक काइरल सेंटर और बढ़।
तो देखो ये था अपने पास स्टीरियोसेंटर वाला टॉपिक, ऑर्गेनिक का है। हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन डालेंगे, चिंता ना करो, आप देखते नहीं इसलिए डालते कम है, आप देखो ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ अपने ग्रुप में शेयर करो तो फिर ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। और दूसरी वाली बात यह है कि अगर किसी बच्चे को समझ में आया हो तो भी आप बताइएगा, नहीं भी आया हो तो भी बताइएगा, दोनों ही अच्छे हैं हमारे लिए अभी तो फिलहाल के लिए। तो और भी आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो YBS के ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, YBS टाइप करें, वहाँ पर जो है डाउनलोड करें, और इसके जो PDF वगैरह वगैरह है कुछ वीडियो आपको फ्री मिलेंगे वहाँ पर, और कुछ वो अपने हिसाब से है, ठीक है। तो फिर डाउनलोड करिए और बताते रहिए, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।